My name is Harsh Tiwari. I have a YouTube channel. Channel name is Technical SRT. जब मैंने पहली बार पल्सर T150 को देखा तो 150 के सेगमेंट में पल्सर ने तो कंप्लीटली चेंज कर दिया है। बहुत ही जबरदस्त लगी। इसमें मुझे क्या क्या बेस्ट चीज लगी है वो मैं आपको बताता हूँ। My name is Harsh Tiwari. I have a YouTube channel. Channel name is Technical SRT. जब मैंने पहली बार पल्सर T150 को देखा तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुआ इस बाइक को देखने के बाद, क्योंकि कंपनी ने इसको बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर दिए हैं जो वाकई में कस्टमर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। जैसे कि प्रोजेक्टर अल्यूमिनियम सेटअप दे दिया है कंपनी ने पहली बार 150 के सेगमेंट में, और पहली बार कंपनी ने 150 के सेगमेंट में इसको मोनो सस्पेंशन दे दिया है जो कि काफी अच्छी बात है। रियर टायर कंपनी ने थोड़ा सा पतला कर दिया है जिसकी वजह से इसका माइलेज और भी पहले से ज्यादा बढ़ गया है, और इसी के साथ साथ इसके इंजन में भी कंपनी ने काफी बड़ा बदलाव कर दिया है जिससे आपको जिससे काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है। मैंने इसकी लगभग 30 से 40 किलोमीटर की राइड की है जिसमें मुझे इसकी हैंडलिंग पोजीशन काफी बेहतर लगी है, सस्पेंशन इसके काफी बेहतर लगे हैं, और इसी के साथ साथ इसके जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी मुझे काफी बेहतर लगा है। तो ट्रैफिक में भी चलाया है और खाली सड़कों पर भी चलाया है, तो इसकी जो हैंडलिंग है कंपनी ने इसका वेट कम किया है लगभग 10 kg के आसपास, तो उसकी वजह से और इसके टॉर्क की वजह से काफी अच्छी इसमें बैलेंसिंग मिल जाती है, और इसी के साथ साथ मैं इजीली कई लोगों को ओवरटेक कर पाया। बजाज पल्सर T150 माय फेवरेट फीचर जिसकी एक चार्जिंग पॉइंट की सहायता से अगर लंबे रूट पर कहीं जाते हैं तो अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं। प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप जिसकी वजह से नाइट में काफी अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। मोनोसब सस्पेंशन जिसकी वजह से लॉन्ग रूट पर और ट्रैफिक वगैरह में जाएंगे तो काफी अच्छा इसमें कम्फर्ट मिलेगा। मैंने इसके साथ में लगभग 30 से 40 किलोमीटर की राइड की तो मुझे इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी महसूस नहीं किए हैं। जरा से हैं वो तो हर बाइक में ही रहते हैं। स्टाइलिंग की अगर बात की जाए तो कंपनी ने इसको पहले से और भी ज्यादा मॉडर्न कर दिया है जिसकी वजह से ये बाइक जो है काफी ज्यादा बेहतर लगने लगी है। पल्सर सीरीज की अगर बात की जाए तो पुरानी पल्सर साथ ही इसी तरीके से कंपनी ने इसको भी लॉन्च किया है, और कहीं ना कहीं ये पल्सर भी अपने आप को जस्टिफाई करती है।